एक दुखद घटना हुई है। सिद्धू मूसेवाला जो शुभदीप सिंह, ये जब अपने घर से निकले शाम को करीब 4:30 बजे, तो उसके बाद करीब 5:30 बजे करीब 5:30 PM ये अपनी गाड़ी में जा रहे थे। ये खुद ड्राइव कर रहे थे, इनके साथ 2 प्राइवेट लोग थे और इनके पीछे एक गाड़ी थी और 2 गाड़ियां सामने से आई और उसमें फिर फायरिंग हुई और फायरिंग में इनको बुलेट इंजरी हुई और जब इनको हॉस्पिटल ले जाया गया देन ही वाज डिक्लेयर्ड गॉट डेड। ये जो इंसिडेंट है ये एक इंटर गैंग राइवलरी का केस लगता है, क्योंकि इनके जो एक मैनेजर हैं शगनप्रीत, इनका नाम आया था जो विक्की मिड्डूखेड़ा वाले मर्डर केस में, वो अभी विदेश में ऑस्ट्रेलिया में निकल गए हैं। तो उसका रिएक्शन मैं जो लॉरेंस बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें हाथ है और इसकी जिम्मेदारी जो है वो लकी उन्होंने ले ली है कि गैंग के कनाडा से। इसके बारे में 2-3 बातें मैं बताना चाहूँगा। अभी तक के जो उसमें इन्वेस्टिगेशन आया कि इनके पास सिक्योरिटी के पंजाब पुलिस के 4 कमांडो थे और अभी घल्लूघारा की वजह से सारे हर साल पंजाब में सिक्योरिटी से थिन आउट करके फोर्स निकालते हैं जिससे घल्लूघारा के अरेंजमेंट फुलप्रूफ हों। उसमें इनके 2 कमांडो विड्रॉ किए गए थे, 2 कमांडो इनके पास थे, लेकिन जब ये गए तो दोनों कमांडो को साथ नहीं लेके गए थे, घर पर छोड़ के गए थे और रातर ये कह गए थे कि अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है। इनके पास एक प्राइवेट बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, वो भी नहीं लेके गए थे। तो ये जो फैक्ट है ये मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा और केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सीएम साहब के आदेश पर एक एसआईटी बनाने के लिए आईजी रेंज को मेरी तरफ से कह दिया गया है। इस मौके पर जो एमटी केस बरामद हुए हैं 30 के करीब, उससे अलग अलग बोर के जैसे 9mm है, 455 है, वो उससे लगता है कि अलग अलग बोर के 3 वेपन, कम से कम 3 वेपन इस्तेमाल हुए हैं। केस की तफ्तीश चल रही है, आईजी रेंज वहां पहुंच गए हैं, कैंप कर रहे हैं, एसएसपी मानसा के अलावा एसएसपी बठिंडा भी पहुंच गए हैं, ऑपरेशंस पूरे इलाके में चल रहे हैं और पंजाब पुलिस की तरफ से एडीजी डिवाइन ऑर्डर जितनी फोर्स एडिशनल मोबिलाइज होनी है वो कर चुके हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि इस केस को हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। सर, इट्स ग्रेट टू सी यू हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वर्क। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट, डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू वोजो स्टोरी एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट रोबस्ट जर्नलिज्म।